और लोग जब गुलू की हद तक बढ़ गए तब भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवे के लिए उनको उभारा, जो हमको वाक़या मिलता है सही बुखारी हदीस नंबर 5063 कि वो तीन आदमी हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उनके पास में आए और आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी कैसी है, क्या उनके मामलात कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया आयशा रजी अल्लाह अन्हा कि ऐसे ऐसे उनके मामलात हैं, रात को इबादत करते हैं, दिन का ये मामला है, सारा उनको बताया। तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह के रसूल सल्लम है। तो एक शख्स ने कहा अब मैं जो है नफील नमाज़ें पढ़ता रहूँगा, एक ने कहा कि मैं अब रोज़ा ही रोज़ा रखूँगा, रोज़ दिना मैं रोज़ा रखूँगा, और एक ने कहा कि मैं निकाह ही नहीं करूँगा ताकि दुनिया का कोई मसला मेरे पास में आए नहीं, किसी का हक हुकूक मेरे पास में ना हो तो मैं उसको नहीं वो करूँगा। तो ये जो अल्लाह के रसूल सल्लम को जब ये मालूम पड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने आकर क्या कौन लोग हैं वो खिताब किया, वो कहा कौन लोग हैं वो और क्या है कि मैं वो भी सबसे पहली बात कही ये लोगों तुम सब में सबसे ज़्यादा मैं तकवा रखता हूँ और मैं जो है अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, मैं अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, लेकिन मैंने जो है निकाह भी किए हैं और मैं नमाज़ पढ़ता भी हूँ और मैं सोता भी हूँ और मैं रोज़े रखता भी हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ और जो मेरी सुन्नत से इराज़ करता है तो वो हम में से नहीं है, यानी